हेलो नमस्ते, वॉच कुकिंग मीता के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों? खानदेशी भरे ली वांगी एक बहुत बढ़िया ट्रेडिशनल डिश है। बैंगन भरे हुए रहते हैं, मसालेदार, झंझनीट, स्पाइसी, यम। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे बनती है ये रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास भुना हुआ मैंने लिया है मूँगफली, प्याज, अदरक, मिर्ची, हरा धनिया, लहसुन, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, बैंगन, काला मसाला और लाल मिर्ची पाउडर। आलू भी एक मैंने ले लिया है। प्याज, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन डाल करके एक हम इसका पेस्ट बना देंगे। हल्का सा हम पानी इसमें डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से। चलिए शुरू कर देते हैं। पैन में ले लिया है 2 चम्मच तेल। बैंगन में 4 चीरे इस तरह से काट करके डाल दीजिए। जो पिछला हिस्सा है, डंडी है, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रस बैंगन में इसी में होता है, तो डंडी हमको नहीं निकालनी चाहिए। और मैंने इसके अंदर आलू जो था वो पतले स्लाइस करके डाल दिए हैं। धीमी आंच पे हम इसको एक बार में भून लेंगे, सौते कर लेंगे, ताकि बैंगन जो है हमारा थोड़े से ग्रेवी में जाने के पहले फ्राई करने के बजाय इस तरह से करके भून लेंगे। जब तक मैंने मूँगफली पीस ली है, ये हमारे हो गए हैं। मसाला बना देते हैं। तेल मैंने ले लिया है 3 से 4 चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। मसाला डाल दिया है मैंने। जब भी हम कोई भी मसाला डालते हैं, ट्राई करिएगा कि उसमें पानी कम से कम यूज़ हो, ताकि जब हम उसको भूनें तो उसका पानी गर्म में जा कर के वो हाथ पे छींटा ना उड़े, स्प्लैटर ना हो। धीमे आँच पर देखिए इस तरह से हम भूनते चलेंगे। 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट लग जाएगा और पानी इसका सूख जाएगा। हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल करके काला मसाला भी डाल दिया है। एक साथ में हम सब मसालों को भी अब भून देंगे। जैसे ही इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा, हमारा मसाला भून जाएगा। तो चलिए देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। महक बहुत बढ़िया आ रही है सब मसालों की। अब जो हमने मूंगफली पीसी हुई थी, मैं ये मूंगफली इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और एक बार और हम धीमी आंच पे ही अच्छे से मूंगफली के साथ मसाले को भून देंगे, ताकि सब एक सा हो जाए। जैसे ही हमारा मसाला भून जाएगा, हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। जिस मिक्सी में हमने ग्राइंड किया था पहले, उसमें से इसको साफ़ करके अच्छे से पानी ले लीजिए। और उसके बाद में फिर हम थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे, नमक भी ऐड कर देंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम बैंगन और आलू डालेंगे, तो जैसे हमारा बैंगन नरम होगा तो जो मसाला है वो गाढ़ा होता जाएगा। तो इसलिए हम पानी का कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से रखते हैं। और उसके बाद में बैंगन और आलू डाल के एक बार मिक्स कर लीजिए। और फिर इसको हम अच्छे से ढक करके कुक करेंगे 6 से 7 मिनट तक, या जब तक आपको लगे कि आपका बैंगन अच्छे से पक ना गया हो। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कलर बहुत अच्छा आया है। हरा धनिया डाल दिया है और 2 से 3 मिनट हम फिर से इसको ढक करके पका देंगे। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। बैंगन हमारा एकदम रेडी है, कलर बहुत बढ़िया आया है। हमारा खानदेशी बैंगन एकदम रेडी है। चावल के साथ में, ज्वारी की भाकरी, बाजरे की भाकरी या चपाती, फुलके के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मेरे अपलोड्स के मिलते रहें। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद व्हाट्स कुकिंग मीता।